subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग ड्रॉ करते जाएं, और वर्टिकल पोल जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, 6 मीटर है, और उसकी शैडो जो है वो और छोटी है, 6 मीटर से भी छोटी है, शैडो है 4 सेंटीमीटर ही, शैडो छोटी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोल, ये 6 है और ये 4 है, ये पक्का 90 डिग्री होगा, ये एंगल थीटा होगा, और ये जो ऊपर बना है बल्ब जैसा, ये आपका सन है, ठीक है। तो सन से लाइट आई और पोल ने लाइट को रोका, और उसके बाद ये जो बन गई हमारी नीचे ग्राउंड पर, ये हमारी शैडो बन, सेम टाइम पर, उसी टाइम पे, यानी कि सन की पोजीशन ज्यादा चेंज नहीं हुई है, और एक बड़ा सा टावर रहा होगा, उसकी बड़ी सी शैडो बन रही है। बड़ी सी शैडो कितनी बड़ी? 28 मीटर, और हाइट ऑफ टावर हमें नहीं पता है, तो हाइट ऑफ टावर को हमने एच एज्यूम कर लिया, ये 90 डिग्री होगा ही, और ये हो गई हमारी शैडो टावर की। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव सवाल होता तो बहुत ही आसान होता कि भाई टेन थीटा बराबर, यहां पे आप अगर ऑब्जेक्टिव होता तो क्या करते, टेन थीटा इज इक्वल टू 6/4, यहां पे भी थीटा ही होगा भाई, सेम टाइम पे है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू h/28 हो जाता। और अब यहां से आप क्या करते, 6/4 × 28, यही हमारी h की वैल्यू हो जाती, 7/6 = 42 मीटर। तो हमारा टावर था वो 42 मीटर हाइट का था, तो पे हम लोग को यहां पर केवल केवल इतना ही करना था, 6/4 = h/28। और ये आया कैसे, टेन थीटा से, ट्रिग्नोमेट्री से आ गया। दूसरा तरीका ये है, हम लोग कह देते कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो साइड्स भी जो होंगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो में होंगी, सेम रेशियो में होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी, तो वो बात हम लोग ने ये यूज कर ली, यहां हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए थर्ड टर्म हम लोग ने नहीं किया। लेकिन हम लोग अब इसे क्योंकि सिमिलैरिटी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो टेन कॉस साइन नहीं लगा सकते, इसलिए हम लोग बेसिक मेथड से जाएंगे, और जो भी बात हम लोग यूज करेंगे उसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। ट्राइंगल्स का नाम दे देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने क्वेश्चन से ही उठाई, एट द सेम टाइम। तो हम क्या कह रहे हैं, एट द सेम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द सन विल बी सेम। सन कहां पर है, यहां पे है, ठीक है। तो चाहे इस डायग्राम पोल के लिए सन देखें तो उसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन वही होगा, और चाहे टावर के लिए सन देखें तो उसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन वही होगा। तो इसलिए सन हमेशा उतनी ही हाइट पे, उतने ही एंगल पे दोनों ही केसेस में दिखाई देगा, क्योंकि सेम टाइम है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने थीटा सेम ले लिया, इससे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आएगी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू थीटा। एक तो ये बात हो गई, फिर
फिर दूसरी बात क्या होगी, बोथ द पूल एंड द टावर, बोथ द पूल एंड द टावर, ये सिविल इंजीनियरिंग की बात हो गई, मस्ट हैव बीन इंस्टॉल्ड वर्टिकली, है ना भाई, मतलब चाहे पोल गाड़ा गया हो और चाहे टावर गाड़ा गया हो, उसको बिल्कुल वर्टिकली लगाया होगा, 90 डिग्री में लगाया होगा, है ना, मस्ट हैव बीन इंस्टॉल्ड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो इससे ये बात निकल के आती है, देयरफोर एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस दोनों बातों से हम लोग बोल सकते हैं, देयरफोर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूजिंग 1 and 2, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। दिस इंप्लाइज एबी डिवाइडेड बाय पीक्यू इज इक्वल टू बीसी डिवाइडेड बाय क्यूआर, है ना, ये तो हम लोग कह सकते हैं। इसका रीजन क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये रीजन है इसका। अब हमारे अजम्पशन में हम लोगों ने ए बी लिया है 4, पी क्यू ए बी लिया है 6 इनफैक्ट, है ना, ए बी तो वर्टिकल है और पी क्यू है नहीं पता एच, और बी सी है 4 और क्यू आर है 28, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग ने एच मान लिया है, लेट द हाइट ऑफ टावर, है ना, बी एच, ठीक है। अब तो यहां से आपको बिल्कुल आंसर दिख ही रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए, यहां तक तो पहुंच गए थे हम लोग। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 28 इज इक्वल टू 4 × H, H इज इक्वल टू 6 × 28 डिवाइडेड बाय 4, 7, 7 × 6 42, है ना, H इज इक्वल टू 42 मीटर। बस यही आंसर है हमारा, देयरफोर हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर, है ना, क्योंकि बाकी सारी डायमेंशंस मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होगा। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।